ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल। तो अब की बार हम क्या लेंगे, एक यूनिफॉर्म चार्ज शेल लेंगे। शेल का मतलब एक स्क्वायर जो अंदर से खाली है, एक सॉलिड जो ये एक स्फेयर जो अंदर से खाली हॉलो है। और सपोज ये एक स्फेयर है जो अंदर से खाली है, चार्ज सरफेस एरिया के ऊपर है, और चार्ज सरफेस एरिया के ऊपर है तो हम इसकी डेंसिटी क्या यूज़ करेंगे, सिग्मा। तो लेंथ वाइज अगर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया होता है तो लैम्डा, सरफेस एरिया वाइज हम क्या लेते हैं डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा क्या होता है, कितना चार्ज है बॉडी के ऊपर और कितना सरफेस एरिया है। तो कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, कितना एरिया है, 4πr² एरिया है। तो क्यू डिवाइडेड बाई 4πr². तो सिग्मा क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो मेरे को ई बाहर निकालना है, रादर मेरे को तीन केस सॉल्व करने हैं। मेरे को ई बाहर निकालना है, बाहर निकालने का मतलब है कि मेरे को ई की वैल्यू यहाँ निकालनी है सच दैट स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। मुझे सरफेस के ऊपर निकालना है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। मुझे इनसाइड निकालना है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई। अब केस नंबर वन, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। हम तीन केस करेंगे। पहला केस, ये आपका एक्चुअल स्फेयर है। मैंने जहां जहां गॉसियन सरफेस बनाई ना, मैंने जान के पेन का कलर रेड यूज किया। ये इमेजिनरी है, नहीं आपका ब्लैक एंड व्हाइट ही है, ठीक। अपनी असाइनमेंट में मैंने रेड यूज किया, तो ये गॉसियन सरफेस है। मैं आपको समझाने के लिए, तो मैंने क्या किया, ये एक्चुअल स्फेयर है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर। आपने एक पॉइंट लिया, तो आप क्या चाहते हो, यहाँ पे क्या निकालना चाहते हो, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई। रूल नंबर वन, जहाँ ई निकालना है वहाँ क्या कंसिडर की जाएगी, स्मॉल गॉसियन सरफेस। स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अंदर भी बाहर भी। तो गॉसियन सरफेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इमेजिनरी स्फेयर। कोई डाउट इसमें, तो इमेजिनरी एक स्फेयर बन गया। तो इस स्फेयर का नाम क्या है, गॉसियन स्फेयर, और ये स्मॉल सरफेस का नाम स्मॉल गॉसियन सरफेस। तो इसमें एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, तो ई निकालना है यहाँ पर, प्लस प्लस वन को रिपेल करेगा, तो ई, तो ई और डी एस के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। ई और डी एस में एंगल इज जीरो। क्या है पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो इसमें इस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स, पहले स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, ई डी एस कॉस जीरो, टोटल फ्लक्स क्या होगा, इन दोनों की इंटीग्रेशन, तो क्लोज इंटीग्रेशन। तो डी एस क्या होगा, इस रेड कलर में जो डी एस होगा वो क्या होगा, 4πr², ध्यान से 4πR² नहीं, 4πr², ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी बड़े और छोटे आर में। ये नहीं है कि कोई भी एरिया लगा दो क्या फर्क पड़ता है। तो हमने गॉसियन सरफेस ये ली, हम फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं, गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का फ्लक्स इज ई इंटू 4πr². कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें गॉस क्या कहता है, अब मेरे से पूछ लेते हैं, इतना करने की जरूरत क्या थी। गॉस कहता है बोलो किसका फ्लक्स निकालना है, मैंने कहा तेरी सरफेस का निकालना है भाई, गॉसियन सरफेस का, इसी का। तो गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालना है, इसके अंदर कितना चार्ज है, इनसाइड जहां मर्जी पड़ा हो कोई फर्क नहीं, ये चार्ज देख रहे हो ब्लू कलर का, यही चार्ज है। अब ये चार्ज क्यू इनसाइड है बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड क्या होगा, जो भी चार्ज है सिग्मा, सिग्मा कौन से एरिया के ऊपर चार्ज है, 4πr², ना कि छोटा r². तो इसके अंदर जो चार्ज है सिग्मा इंटू 4πr², ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ज बड़े r² के ऊपर है, छोटे r के ऊपर, छोटा r तो इमेजिनरी है। तो ये स्टेप समझ में आया, हमने फ्लक्स किसका निकाला, छोटे r का, तो एरिया छोटे r की फॉर्म में। हमने जो चार्ज निकाला सिग्मा इंटू 4πकैपिटल r², क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें। इन दोनों को हमने इक्वेट कर लिया, 4π से 4π कैंसिल, तो e की वैल्यू आ गई। क्या आसान तरीका है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस दो बार फ्लक्स निकालो, इक्वेट करो आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो e का फॉर्मूला याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर कैप क्यू इनसाइड, इस रेड करके अंदर चार्ज कौन सा, ये चार्ज नहीं है, ये रहा,
तो ये चार्ज कैसे निकलेगा, सिग्मा इंटू 4π R² सिंपल डेरिवेशन आएगी। तो मेरे को लगता है तीनों केस बनाने चाहिए, बिल्कुल तीनों केस में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, पहला केस ही मेन होता है, बाकी तो एक मिनट का काम है। क्या है पॉइंट क्लियर है? अब दूसरा ई आ गया, अब दूसरा केस है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, कुछ करना ही नहीं है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर में, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, जो भी फॉर्मूला था ई का, यहाँ पर छोटे आर को क्या पुट करना है, बड़ा आर, छोटे आर को बड़ा आर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो ई की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल आ गया आंसर, तो ई की वैल्यू आ गई। तो ई की वैल्यू सरफेस के ऊपर निकालने में करना ही कुछ नहीं है, स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करो, आंसर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आपको केस नंबर 3 के बने हैं, आपको ई कहाँ निकालना है, इनसाइड। जब आपको ई इनसाइड निकालना है तो गॉसियन सरफेस कहाँ बनेगी? देखो इनसाइड जाने में आपको ये लेनी पड़ेगी गॉसियन सरफेस, ये देखो एक छोटा स्फीयर अंदर बनेगा, राइट, एरिया वेक्टर और प्लस वन रखोगे तो ई वेक्टर बाहर है, तो ई और डीएस में एंगल क्या है, जीरो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेट करके, कौन से गॉसियन सरफेस की, गॉसियन सरफेस इनसाइड है, फ्लक्स आकर। गॉस कहता है कि ये करने की जरूरत क्या है, बताओ मेरी सरफेस कहाँ है, ये तेरी गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है, मैंने बोला अंदर तो है ही नहीं भाई, चार्ज तो बाहर रह गया, तो कहता है फिर फ्लक्स भी जीरो। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली फ्लक्स जीरो, तो अगर ये जीरो और ये तो है ही जीरो, तो दोनों तरीकों से ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, और दूसरा तरीका क्या कह रहा है, फ्लक्स क्या है, जीरो, तो एरिया तो कैंसिल हो ही जाएगा जीरो से, तो नेट ई की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। ये तो वैसे भी क्लियर है, अगर आपका कोई चार्ज सिर्फ सरफेस के ऊपर है, अंदर है नहीं, तो ई अंदर क्या आएगा, जीरो। अच्छा थ्योरी में समझाऊं, थ्योरी में ये रहा, ये आपका चार्ज है, राइट, ये आपका चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे जाएंगी, बाहर जाएंगी, अंदर तो कोई आएगी नहीं, तो बाहर चली गई, तो अंदर ई क्या होगा, जीरो। तो किसी भी हॉलो खाली स्फेयर या शेल, शेल बोलना चाहिए, शेल के इनसाइड ई क्या रहेगा, जीरो, राइट। क्लियर है यहाँ तक? तो तीन केस हो गए, तो फॉर्मूला याद रखने हैं, तो आपको ये तीनों केस के फॉर्मूला याद रहें, तो मैंने ये भी किया हुआ है, कॉम्पिटिशन में जाने से पहले क्या करोगे, डेरिवेशन थोड़ा देखोगे, फॉर्मूला प्लीज देख लेना। तो एक शेल है, शेल के सरफेस के बाहर ई क्या करवाया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर क्या करवाया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या करवाया, जीरो। क्लियर है? अब यहां पर सिग्मा होता क्या है, सिग्मा होता है चार्ज डिवाइडेड बाय 4π कैपिटल आर स्क्वायर, यही है चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड 4π कैपिटल आर स्क्वायर, तो यहां से सब कैंसिल होगा, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा, 1/4π ε0 Q/कैपिटल, अरे तो वही आंसर आ गया ई का, जो हम पॉइंट चार्ज के लिए करते थे, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई निकालना है, तो 1/4π ε0 Q/r² सही है फॉर्मूला। तो अगर कल को ये फॉर्मूला भूल जाए, तो ये तो ये कम से कम याद रहेगा ही, पर ये याद करना पड़ेगा, जिन न्यूमेरिकल में सिग्मा गिवन होता है उसमें याद करना पड़ता है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट ये, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या, चार्ज बाय 4π R², तो सॉल्व करोगे तो सेम आंसर, मतलब एक ही बात है, स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दो, आंसर। ये भी क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, अगर इनसाइड है फिर तो जीरो। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में, आपके सब्जेक्टिव में, न्यूमेरिकल्स में, ये तीनों फॉर्मूलाज काम आएंगे, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक, तो ये ग्राफ आएगा, ग्राफ आता है ये, अगर आप एक शेल लेते हो, ठीक, आपने एक शेल लिया, इस शेल क्या सेंटर से मैं बाहर आ रहा हूं, स्मॉल आर की वैल्यू मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो जब तक मैं स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पे हूं, तो ई की वैल्यू क्या है, तो देखो जब तक स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, वहां पर ई की वैल्यू क्या है, जीरो, सही है। फिर उसके ऊपर सरफेस के ऊपर आता हूं, तो ई कांस्टेंट और मैक्सिमम है, ये रही, और फिर जब बाहर निकलता हूं, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का स्क्वायर, ये देखो
ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ग्राफ याद रहेगा, तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर में तो ग्राफ ही नहीं बनेगा, तो यहाँ पर तो आपका ग्राफ ही नहीं बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक, बन जाएगा ग्राफ, आएगा ये पेपर में ग्राफ। आपको ग्राफ देखा नहीं लग रहा, कौन सा टॉपिक है, शेल थ्योरम ग्रेविटेशन का यूनिट याद है, वो एडमिशन के टाइम आए थे, बोला पूछा नहीं था, जो नए नए बच्चे आए थे, क्या आता है, SHM आता है, आता है, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन आता है, आता है। अब ग्रेविटेशन क्यों पूछे जा रहा है, ये देखो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के सेम ग्राफ हैं, और नहीं आता घबराने की जरूरत नहीं है, समझो आज के बाद ग्रेविटेशन भी आ गया, जब ग्रेविटेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स आता है, आता है, तो ग्रेविटेशन भी अपने आप आएगा, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल दोनों में सेम बनते हैं। अगर खाली शेल लेंगे और ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सेम मार्क कर देना, सही है, ठीक है यहाँ तक। और एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब आप किसी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा लेते हो, किसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे बंद ही कर दो, बचा ही नहीं 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 इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हुए बचा लेते हो, इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है पर मुझे आपने बचाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को टच भी ना कर जाए, तो मेरे को एक बंद शेल के अंदर ना मेटल का शेल लेना और मुझे उसमें बंद केज की तरह बंद कर देना, तो ठीक है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पर शेल के अंदर ई क्या होता है, जीरो, मैं बच जाऊंगा, मेरे को जितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते रहो मेरे को कुछ नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस हैं, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, इंग्लिश मूवीज़ में विलन जो स्पाइडरमैन के सामने होते हैं, अंग्रेज़ों के होते हैं ऐसे विलन, हाथों से वो निकालते हैं, बिजलियाँ कड़कती हैं, राइट, करंट लगता है, लोग मरते हैं, वो क्या है, देखो अंग्रेज़ इतने पागल नहीं हैं, वो ऐसे नहीं बनाते कि इधर से गाड़ी उड़ी उधर से गाड़ी उड़ी और पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, सबको पता है। तो बेसिकली लॉजिक है, वो साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज़ जीतना है उसको, मिला नहीं, गुस्सा हुआ है, नॉलेज ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है मशीन से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मशीन से जनरेट करता है, तो क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे, एयर जो है एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हवा में बिजली उड़ती, चार्ज नहीं जाता, लेकिन हम ये भी स्टडी करेंगे, अगर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए तो एयर का एटम आयनाइज हो जाता है और बिजली कड़क सकती है, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो फ्लो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, तो सही है, देखो ये भी अगर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पाओ तो ठीक है, यहाँ से वहाँ तक मैं चार्ज फेंक सकता हूँ एयर से, तो बिजली कड़केगी, तो लोगों पे अगर वो शॉक लगेगा तो लोग तो गिरेंगे ही, तो ये ठीक है, लॉजिक ठीक लगाया उन्होंने, सही लगाते हैं, गलत तो नहीं लगाते। तो अब वो प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल है, हम थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर लेते हैं, आप मार्केट जाओगे 150 रुपये का वो मिलता है, वो मच्छर मारने वाला मॉस्किटो और फ्लाई, अब हंस रहे हो, उसमें सेल डलता है, उसमें जाली होती है मेटल की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, उसके कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जनरेट करती है, उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई मॉस्किटो आता है वो मर जाता है, पटाखा बचता नहीं है, तो उसके अंदर वो ब्लड है, उसके अंदर जाता है करंट, वो मर जाएगा, हमें नहीं कुछ होता, अगर होता भी हल्का सा शॉक लगता है, हमारी बॉडी सह सकती है, वो 220 वोल्ट नहीं है, अगर 150-220 वोल्ट होगा तो हमारे साथ भी यही कुछ होगा, 5-6 वोल्ट में कुछ नहीं होता बॉडी को, बट पॉइंट समझ में आ रहा है, तो सेम लॉजिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कोई अगर ऐसा आ जाए बिजली कड़काने या कोई इस तरीके से रूम में मशीन लेके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, मुझे बचाना है तो केज में बंद कर दो, लिफ्ट में बंद कर दो, लिफ्ट के अंदर मोबाइल के सिग्नल भी बंद हो जाते हैं कभी कभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अंदर आएगा ही नहीं फील्ड, खत्म, ई जीरो है कि नहीं, सही, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो बिजली कड़क रही हो, आपको पता हो बिजली गिर सकती है, केज में जाके बंद हो जाओ, कार के शीशे बंद कर दो, और कार भी एक मेटल की बॉडी है, उसमें जाके बैठ जाओ, फिर भी सेफ हो, बिजली गिरेगी तो एक बहुत ज़्यादा नहीं गिरनी चाहिए, तो अगर गिरेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, सरफेस पे अंदर ही क्या रहेगा, जीरो, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। तो नेक्स्ट है